ये हालत हो जाती है जब आप मम्मी बहन या वाइफ के साथ शॉपिंग पे आओगे। खैर आज तो बहन आई है। इसका ये रह रही है यहाँ 6 महीने से, मैं आया हूँ यहाँ 6 दिन से। इसका शहर इससे ज़्यादा मैं घूम लिया है, गलत कह रहा हूँ, ये अभी तक मेघालय शिलोंग नहीं हो गए, मैं उधर से हो आया। ये अभी बगल में मंदिर था, ये नहीं हो पाई, ये इधर जूडियो था, उधर नहीं हो पाई। अरे भाई क्या बताऊँ, छोड़ो। राम राम जी सारे ने हाँ जी राम राम जी सभी को जय श्री राम। कैसे सर हो, कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। ये थोड़ा सा मीटर छा गंदा हो रखा है, इग्नोर इट। वैसे तुम्हारा भाई जो है आज 8:30 बजे ही 8:31 हो रहा है नहावा के रेडी। यस सुबह सुबह ये देखो, ये व्यू फोकस ही नहीं होता है। ये पहाड़ी के साथ एक कबाड़ी पकड़ा दिए मेरे को, ये रहा। ठीक है चलो चलो, कबाड़ी लेके चल रहे फेंक के, उधर सब्जियां लेके आना है। हेलमेट की जरूरत नहीं है, चलो तब लेट्स गो। सुबह सुबह इसको लेके सब्जी लेने यही काम है भाई। और वैसे मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है प्लीज बताना, जूडियो वाला है ऊपर नीचे सब जो कल मैंने खरीदा था। यस ये देखो दूध दही सब लेके आ गई, मैं तो खड़े खड़े वहीं पे एक पैकेट दूध उड़ा दिया। मैं तो भाई भेदभाव ही नहीं कर देता, दूध दूध ही लगा था साला, मैं भेदभाव ही नहीं करता। दूध कैसे भी मिलना चाहिए, किसी भी फॉर्म में अच्छा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, मैं आराम से पी जाऊँगा। कितना भी इंदोसन मेरी 1.5-2 लीटर की कैपेसिटी है एक बार में, उतना तो पी ही सकता हूँ। अभी चल रहे जीजू और हम, एक सामने मंदिर है उसके बारे में जीजू बताएंगे कैसा मंदिर है, मैं नहीं बताऊँगा, तुम पहले चिल्ला लो, उनकी बेइज्जती कर लो। तुम ये जीजू की बेइज्जती कर रहे का बहाना ढूंढ दिया। सुन लो यार सुन लो, थोड़ा भी इसको बीप करना पड़ता है मुझे, एडिटिंग में मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। चलो जीजू और हम दोनों लोग जा रहे हैं इस वाले मंदिर पे। यहाँ पे एक मंदिर है और इसके बारे में मान्यता ये है, मैं बताऊँगा तुम लोग यकीन नहीं करोगे, जीजू के मुँह से पूछवा दूंगा। और जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं ये लोग आप असमीज है, ये लोग यहाँ के लोकल हैं, इनसे भी पूछवाऊँगा, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ की मान्यता क्या है। और मैं हम दोनों पैदल पैदल निकलेंगे उस पहाड़ी के लिए। चलो ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर के आसपास है, मस्त वॉक हो जाएगा। फिर हम लोग 1.5 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं, वो मंदिर बहुत दूर है। कितना किलोमीटर होगा जीजू एग्जैक्टली? तो 5 के आसपास है। हाँ पहुँच गए हम लोग, 2 किलोमीटर पार कर चुके हैं। चलो तो 3 किलोमीटर और बचा हुआ है गाइस, वो रहा दूर, अभी पहुँच जाएंगे। मज़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी है बट सह लेंगे थोड़ा। भाई इधर जो है तामुल, जो कच्ची सुपारी होती है, मतलब सुपारी का पेड़ बहुत सारे होते हैं, हर घर घर में है सुपारी पान का पत्ता, सुपारी पान का पत्ता लोग खाते रहते हैं, मुंह लाल किए रहते हैं अपना। ये देखो यहाँ है और वो ऊपर पहाड़ी पे रास्ता कुछ ऐसे से चढ़ के जाना है। देखो रोड दिख रहा है, दिखा? हाँ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी से सांस फूल जा रही है, मतलब सांस फूल नहीं रही है, मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये है इसका एंट्रेंस गेट, यहाँ पे एक और नया मंदिर बन रहा है और यहाँ की स्टोरी जीजू बताएंगे। जीजू क्या स्टोरी यहाँ की? यहाँ की स्टोरी है कि ये बहुत सदियों पुराना मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे लोकल के अनुसार 101 और 110 बलि दी जाती है। 110 किस चीज़ की? 101 किस चीज़? 101 बलि दी जाती भैंसों की, भैंसे की, जिसको पाड़े बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये भी मान्यता है, मान्यता नहीं देखा भी गया है, शेर आता है यहाँ पे, वो किसी को खाता नहीं है, यहाँ का जो प्रसाद चढ़ता है, मतलब जो बलि चढ़ती है उसको प्रसाद बोलते हैं, उसको खाता है और चला जाता है। और सारे लोग यहाँ पे देखते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं हार्म करता है, किसी को कुछ हार्म नहीं करता है। यहाँ के इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है और ये भी मान्यता है यहाँ पे जो मन्नत मांगी जाती है वो 100% पूरी होती है। पहले ये नीचे था, अब इसकी चढ़ाई कर दी गई ऊपर, काफ़ी स्टिफ है, बहुत स्टिफ है, तो अपना काफ मजबूत रखना इस पे चढ़ने के लिए। भाई इसकी चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, हालत खराब हो गई पहाड़ों में चढ़ना। भाई तुम लोगों को कैमरे में नहीं समझ में आएगा, रियल में जब देखोगे ना
तब समझ जाएगा बहुत स्टिफ है ये, मेरा कार पकड़ रहा है, कार पकड़ लेगा यहाँ पे, स्टिफ है ना। पे मंदिर के पास दोनों गेट पे एक एक शेर, एंट्रेंस पे फाइनली वी रीच्ड, वी रीच्ड। ओ हाय, ये रहा मेन मंदिर, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ओ ये मंदिर है, जय माता रानी। दो ओवर मार दिए और ये होए जरा एक ओवर किया तो दूर दूर के नाम करो महाराज में बोल करो और यार बोल करो मंगल करो भक्त करो मंगल करो। ओम निर्मय लंग मा बुरी गहनी माय पुष्पों नरे नमो। ओम निर्मय लंग मा सिंद्रदनम सिंद्रदनम मा बुरी गहनी माय पुष्पों नरे नमो। सिंद्रदनम सिंद्रदनम मा बुरी गहनी माय पुष्पों नरे नमो। हेलो प्रणाम करो माइक एक बार। गो बामुने इतेश्वर तथा जीता कृष्ण गोविंद ने तंत्रपति प्रणाम करी से प्रणाम करते हमें गो ऊपर गो पर उसको यहाँ पे लगाया जाता है, जो फूल है, जो फूल है उसको कान पे लगाया जाता है। यहाँ पे हर चीज जो है असमी में लिखी हुई है और यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है गुवाहाटी सिटी का, दिखाते हैं। देखो उधर कहीं दूर से हम लोग आए हैं, बहुत दूर है वो, 5 किलोमीटर नाउ। सो फार सो वेरी गुड। इधर भी पहाड़ी दिख रही है, एक मिनट में चप्पल पहन लूँ फिर उधर चलूँ तब दिखाऊँ। राइट साइड तो वाटर पार्क है यहाँ पे बगल में ही। हाँ ये चल रहा है, ये बंद है। यहाँ से देखो व्यू देखो, ये है वहाँ जाते हैं लोग। ओ ये बंद है या एक्टिव है? यार कंस्ट्रक्शन चल रहा था शायद, एक्टिव ही है। कोई तो नहीं दिख रहा, ना पानी दिख रहा ना कुछ, बट पहाड़ियाँ दिख रही हैं। इस जंगल में पूरा शेर हाथी, प्रिया को भेज दीजिए, शेर हाथी सब दिखता है यहाँ पे, मस्त है। ऐसे देख लो मंदिर कुछ ऐसा सा है, लोटस बनाया गया ऊपर और इधर के साइड पहाड़ियों का व्यू, मजा। ये वाटर पार्क है, वाटर पार्क अगर एक्टिव रहता तब जाने में मजा आता, पूरा सुनसान पड़ा है जंगल। तुम आके रियल लाइफ में देखोगे ना, एक तो ये मिनिमम 30 फीट से ऊपर पे ये मिट्टी है, पत्थर है, फिर उसके ऊपर ये 20-25 फीट के पेड़ है, काफ़ी मैसिव सा और काफ़ी हॉरर टाइप का फील आ रहा है, और पूरा उधर पहाड़ी पहाड़ है। पे लोकल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं जीजू, और ऐसे ही पहाड़ियों में और जंगलों में झरने मिलेंगे यहाँ पे बहुत जगहों पे, हर जगह झरने, हर जगह जंगल यहाँ मिलता है। खूबसूरती यहाँ का सब नेचर इन टच है, सब लोग बहुत ही, ये रॉ फॉर्मेट में है। रॉ फॉर्मेट, तुम लोग को समझ में आ रहा है कितना स्टिफ है? नहीं समझ में आएगा क्योंकि कैमरा वो चीजें जस्टिफाई ही नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है, कैमरे में समझ ही नहीं आता जीजू। जंगल चक्कर है, आप ये जंगल चक्कर है, डेंस सुनसान और चिल्ड वाला माहौल है यहाँ पे। जाने के लिए हमने शॉर्टकट ले लिया, जंगल के थ्रू जा रहे हैं और ये सही है। और यहाँ से, अरे भाई यहाँ से 10 फीट है, यहाँ से कूदना पड़ेगा। हम वो है हाँ। सबसे फल को भी महंगा करके खरीद रहे हैं। और बहुत तगड़ा है, इंटेंस, ये तो खड़ा है भाई, ये बहुत बहुत ऊंचा है। इधर से उतरते हैं, ओए होए नाइस, यहाँ से तो कूद ही सकता हूँ बट नहीं, और नीचे जाना पड़ेगा इधर से। अरे भाई साहब, हो नाइस, जो हम करके आए हैं उसको बोलते हैं रियल एडवेंचर। ओह आ गए भाई। अब यहाँ से देखो तुम लोग, ये कितना हाइट पे है, ये 10 फीट से ऊपर है, बहुत बहुत इंटेंस। खुराफात का दूसरा नाम है वीके सिंह। गणेश जी का मंदिर बन रहा है और हाथी उनका रथ खींचते हुए, नाइस, चलो लेट्स गो। मैं आ गया, ये अभी सोया ही है, बहुत पसीना और लाइट भी काट दी अभी अभी, बारिश थी तो। पतला वाला उत्तपम आ गया भाई, उत्तपम। हाँ जी, अभी चल रहा है अपन लोग फैंसी बाजार में, और प्रिया कैसी आंटी?
सो फैंसी बाजार चलते हैं, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ का फैंसी बाजार काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे दिल्ली का कौन सा सरोजनी मार्केट है ना, वैसे यहाँ का फैंसी बाजार है। तो यार शर्ट डालिए ऊपर से, ये खुला रहेगा और नीचे लोअर ही है, बस चल के आना, ये यहीं बगल में ही है। तो लेट्स गो, उसका एक डेडिकेटेड ब्लॉग डाल दूंगा, ठीक है, इस ब्लॉग में नहीं रखेंगे उसको, थोड़ा सा वैसा टॉपिक है व्यूज़ वाला है, तो इसलिए उसको अलग ही सेपरेट ही रखते हैं। तो जाते हैं और आते हैं हाउस, उस ब्लॉग के लिए इस ब्लॉग के बाद देख लेना उस ब्लॉग को, इसके बाद ही आएगा वो। तो लेट्स गो, प्रिया जल्दी आओ भाई, जाओ खटाक से गेट खोलो। पहली बार हम रोज शॉपिंग करे जाता नहीं, का है पैसे नहीं क्या, मुझे फिर कर लो। तो चलो रहे दल झूठे का जल्दी चलो जा। हम कुछ चुरा के लेके देख लो भाई, ये मेरी बहन कैसी है, चोरी करने जा रही है। होली के सबसे पहले उसको जूडियो जाना है, तो वापस से जूडियो आ गए। वो कल देखी थी कि उसको पसंद आया है कुछ, मैंने वीडियो कॉल पे दिखा दिया था, तो आज देखो लेने आ गई है तेरी। सब 299 499 ऐसे करके मिल रहा है, और ये तुम्हारा भाई सेक्सी। अलग ही चोचले चलते हैं लड़कियों के, देखेंगे पूरा स्टोर घूम के, लेंगी लेंगी नहीं तो नहीं ही लेंगी। बढ़िया इनका ये हालत हो जाती है जब आप मम्मी बहन या वाइफ के साथ शॉपिंग पे आओगे। खैर आज तो बहन आई है, देखो इसका कुछ पसंद हो आवता हो, आराम से देखो आराम से। ये घूमते घूमते आ गई, ये लिप्स लड़कियों का जो पता नहीं डेंटिंग पेंटिंग वाला आइटम होता है ना, ये डेंटिंग पेंटिंग वाला उस वाले सेक्शन में देखो, पता नहीं क्या क्या देख रही है। ले लो, देख रहे हैं, उसमें सेंसर वाली लाइट लगी है, जल गई ना। अपन लोग भाई अपन लोग आ गए बालाजी टेंपल, यहाँ का गुवाहाटी का बालाजी टेंपल है ये, और आर्किटेक्चर देख रहे हो साउथ इंडिया टाइप में है। चलो अंदर चलते हैं, वहाँ उधर से एंट्रेंस है। तो या लेट्स गो इनसाइड दिस यूज टेंपल। हाँ ये पता नहीं, कदम का पेड़ है भाई, कदम क्या है हम लोग के यहाँ इसको कदम का पेड़ बोलते हैं। आप पहले सूज रखते हैं अंदर फिर चलते हैं, लेट्स गो। ये है वैसे मेन टेंपल, ये मंदिर का एंट्रेंस, और यहीं पर शू काउंटर भी है, तो शूज वूज रख लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। देख रहो मैसिव भाई, ये आ गए टेंपल के अंदर, शूज वूज रख के कारपेट पे, चलो पैर नहीं जलेंगे नहीं तो छाले पड़ जाएंगे भाई। चलो लेट्स गो इनसाइड टेंपल। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, भाई यहाँ से निकल लिए कुछ फ़ोटो एक आधा लेके, चलते हैं यहाँ से भाई। यहाँ तो ले लिए फ़ोटो वोटो, अब चलते हैं यहाँ से और भागते हैं दौड़ के, बहुत तगड़ी धूप लग रही है। इधर से चलना है कि भूल जा रही है इसका, ये रह रही है यहाँ 6 महीने से, मैं आया हूँ यहाँ 6 दिन से, इसका शहर इससे ज़्यादा मैं घूम लिया है, गलत कह रहा हूँ, ये अभी तक मेघालय शिलोंग नहीं हो गए, मैं उधर से हो आया, ये अभी बगल में मंदिर था ये नहीं हो पाई, ये इधर जूडियो था उधर नहीं हो पाई, अरे भाई क्या बताऊँ छोड़ो। अब जीजू तो घर पे बैठे हैं, लेकिन शिलोंग के लिए छुट्टी लिए तो कल परेशान कर दिए थे सब। हाँ तो फिर गई क्यों नहीं तुम लोग, वजह से हम लोग शाम को किया है ना आए, तब जब हम आ गया था ड्यूटी से, दो जब हम लोग आने लगे तब क्या आए, तुम लोग वहाँ पे रहते हम लोग आ जाते। अरे नहीं बारिश हो रहा था, मतलब शिलोंग ऐसा होता है बारिश, शिलोंग आने लायक है ही नहीं भाई, तुम लोग अगर प्लान बना रहे हो ना बिल्कुल मत आना यार, वहाँ पे सेफ नहीं है। सही कह रहे हो, गलत कह रहा हूँ, अकेले सेफ नहीं है, हाँ फैमिली हो बड़ी तब सही है, हाँ ज्यादा लोग हों और दो और चार अपना पहले से बुकिंग करके चलो, जाके डायरेक्ट बुकिंग, बिल्कुल दो चार लोग पहले से हों तो वो एयरपोर्ट वाले में ही बुकिंग होता वहाँ पे, हाँ उसमें तो गेस्ट हाउस में वो तो 200 रुपए लगते सिर्फ एक, ऐसे हम लोग का 5,000-5,000 रुपए लग रहा था, सेम होटल का हम लोग का 200 रुपए लगता, सेम 200 रुपए, तो बताओ कहाँ 200 रुपए कहाँ 5,000 रुपए, डिफरेंस तो है ना बॉस। गणपत और मैं हम लोग आ गए ये समोसा खाने, नाइस। ये आ गया हम लोग का पनीर डोसा, ओए ओए मजे फुल मजे भाई। एक मैंने ये ले लिया चॉकलेट मिल्क और उसमें ले लिया मिरिंडा, सो फार सो वेरी गुड।